हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे भरवा टिंडे। देखिए, मैंने अपने टिंडों को छील के धोकर बीच में से कट कर लिया है। सारे बीज इसके निकाल दिए हैं। ये थोड़े मोटे टिंडे हैं, इसलिए इनके बीज पक गए थे, तो मैंने सारे बीजों को रिमूव कर दिया है। ये है मेरा प्याज और टमाटर, इनकी मैं स्टफिंग बनाऊँगी। ये मेरा ऑयल रेडी हो रहा है, गर्म हो गया था मेरा ऑयल, तो इसमें मैंने अपने टिंडों को डाल दिया है। और देखिए, मैं इनको फ्राई कर रही हूँ टिंडों को। इनको मैं पकाऊँगी और तेल में ही मैं इनको पकाऊंगी फ्राई करके। और देखिए, जब भी कभी बच्चों का मन ना हो, बच्चे ना नुकुर करे कि टिंडे नहीं खाने हैं, मोस्टली टिंडों की सब्ज़ी ऐसी होती है कि बच्चे खाना पसंद नहीं करते हैं, तो मेरी रेसिपी से ज़रूर बनाइए। बच्चे उंगलियां चाटते रह जाएंगे, और बड़े भी जिनको भी पसंद नहीं है टिंडे की सब्ज़ी, इस रेसिपी से बनाइए। इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, बिल्कुल पक्का यकीन है मुझे सब चाटते रह जाएंगे। देखिए, अब मैं इनको फ्राई कर रही हूँ धीरे धीरे, स्लोली, धीमी आंच पे हम इनको फ्राई करेंगे। और जब ये कुक हो जाएंगे तो हम अपनी स्टफिंग बनाएंगे। ऐसे मोस्टली होता है कि टिंडे की सब्ज़ी लोगों को पसंद नहीं होती है। टिंडे, लौकी, तोरी, ये सब्ज़ियाँ बच्चों को पसंद नहीं होती हैं, तो इस तरीके से बनाइए। ये देखिए, मैंने अपने टिंडों को फ्राई कर लिया है, ये पक गए हैं। और अब मैं अपनी स्टफिंग बनाऊंगी। टमाटर और प्याज, आलू भी बॉईल कर रहे हैं मैंने। ये देखिए, छौंक लगा रही हूँ मैं। अब मैंने आलू भी बॉईल करके रखे हैं, स्टफिंग में डालूंगी। आलू बॉईल करके फोड़ लिए हैं मैंने, ये देखिए, ग्राइंड कर लिया है। गाजर, उसको टमाटर को और प्याज को ग्राइंड कर लिया है। और अभी तेल में मैं टमाटर और प्याज को जो मैंने ग्राइंड किया था, उनकी ग्रेवी बना रही हूँ मैं। देखिए, ये मेरी ग्रेवी बन रही है, और धीरे धीरे मैं इसमें ग्रेवी बना रही हूँ। और इसमें नमक डाला है, थोड़ा सा मिर्च डाला है, हल्दी डालेंगे, सारे मसाले जो भी आपके फेवरेट हों, हल्दी डाली है, धनिया पाउडर डाला है, जो भी आपके फेवरेट मसाले हैं, अमचूर भी डाल सकते हैं इसमें, लेमन डाल सकते हैं, और जो भी आपका पसंदीदा मसाले हैं उसमें ऐड करके बना सकते हैं। अब देखिए, इसको चलाते जाएंगे धीमी आंच पर और इसको भूनते रहेंगे। देखिए, तेल हमारा निकलने लगा है, तेल छोड़ने लगी है कढ़ाई। आराम से इसको बनाएंगे, और जब तक पूरा पानी सूख ना जाए तब तक इसको पकाते रहेंगे। अब हमारा मिक्सचर बनके रेडी हो गया, होने वाला है। देखिए, इसमें मैंने आलू डाल दिए हैं, मेरी ग्रेवी रेडी हो गई थी, तो इसमें मैंने, जब ग्रेवी हमारी पक जाएगी तब उसके बाद इसमें आलू डालने हैं। बस इसको हम चलाते जाएंगे धीमी आँच पर, फ्राई करते जाएंगे जब तक आलू में सारे मसाले मिक्स ना हो जाएं। आलू और मसाला जो हमारा टमाटर प्याज का मसाला है, ग्रेवी, वो जब तक एक तरह अच्छे से मैश ना हो जाए, मतलब बिल्कुल एक ना हो जाए, मिक्स ना हो जाए, तब तक हमें इसको चलाना है अच्छे से। आलू फोड़ लेने हैं, आप इसको कद्दूकस भी कर सकते हैं, आलू को चलाते जाना है और आलू में अच्छे तरीके से इसको मैश कर लेना है। धीरे धीरे चलाते जा रही हूँ, आलू को फोड़ रही हूँ मैं। बस देखिए, हमारी स्टफिंग बन के रेडी हो गई है। इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे, और बस जब ठंडा हो जाएगा तो हम इसे टिंडों में भर देंगे, और फिर उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। देखिए, अभी मैं इनको ठंडा होने के लिए थोड़ा वेट कर रही हूँ। मैंने स्टफिंग को भर दिया है टिंडों के अंदर, और ये थोड़ी मेरी स्टफिंग बच गई है, इसको हम ग्रेवी में डालेंगे। देखिए, तेल मैंने छौंकने के लिए तेल गरम कर लिया है, इसमें मैं छौंक रही हूँ, जीरा से छौंक दिया है मैंने। और जो हमारे आलू बचे थे, मतलब जो हमारी ग्रेवी बची थी, उसको हमने डाल के थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसमें। अभी थोड़ा सा पानी डाल के, ये देखिए, पानी डाल दिया है मैंने। और पानी डाल के बस इसको मैं पतला सा थोड़ा ग्रेवी बना लूँगी, और ग्रेवी बनाने के बाद थोड़ा सा और पानी डालेंगे इसमें, और फिर अपने टिंडों को, जिसमें हमने स्टफिंग भर रखी है ऑलरेडी, और वो भर के और इसमें डाल के, देखिए थोड़ा उबाल आ गया है पानी में, पानी में उबाल आ गया है, हमारी ग्रेवी बनके रेडी हो गई है। आपको जैसे भी, अगर थोड़ी पतली ग्रेवी रखनी है तो पतली रख सकते हैं। देखिए, मैंने अपने टिंडों को स्टफिंग भर के जो रखी थी डाल दिया है, थोड़ा सा पानी मैंने और डाल दिया है, जिससे कि मेरे टिंडे अच्छे तरीके से गल जाएँ। पहले मैंने उनको फ्राई करके तेल में पका लिया था, अब देखिए पानी और डाल दिया है मैंने, और ग्रेवी बना दी अच्छे से। अब इसको मैं हल्की आंच पर इनको कुक होने दूंगी, और जब जैसे ही सारा पानी इसका रिमूव हो जाएगा तो बस हमारे टिंडे बनके रेडी हो जाएंगे। ये धीमी आंच पे मैंने पका रही हूँ इनको।
आराम से इसको चिमटे की हेल्प से इसको साइड साइड से इनको पलट रही हूँ। आराम से पलटेंगे इनको कोछे से चिमटे से कैसे भी आप इसको पलट सकते हैं। और बस धीमी आंच पे देखिए पानी मेरा पक गया है सारा, सिर्फ ग्रेवी बची है और पानी मेरा सारा सारा सोख लिया है टिंडों ने। टिंडे मेरे पक गए हैं अच्छे तरीके से, बस थोड़ी देर इसको और पकाएंगे फिर हमारे टिंडे बनके रेडी हो जाएंगे। ये देखिए कितना लुक, कितना यम्मी लुक लग रहा है इसका। इस तरीके से बनाइए, बच्चे भी चाटते रह जाएंगे। और देखिए ये मेरे टिंडे बनके रेडी हो गए हैं, उबाल आ गया है और बस बनके रेडी हो गए हमारे टिंडे। सिंपल इजी रेसिपी। बताइए मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।